गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में अगेन आई वेलकम यू एंड दोज हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो डेटा एनालिटिक्स लैब। सो स्टार्टिंग विद द थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज वेरिएबल म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप्स। बेसिकली देर इज अ कैटेगरी इन द वेरिएबल एंड द कैटेगरी इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ टॉक अबाउट अ वेरिएबल स्टूडेंट, सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज बेसिकली एन आइडेंटिफायर विच वी डिफाइन टू स्टोर द डेटा। अभी जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन दिस पाइथन शेल। द वे आई एम डिफाइनिंग दिस एक्स, इट मस्ट हैव सम वैल्यू। सो हियर वी हैव टेकन एक्स इक्वल्स टू 8। सेम एज इफ आई एम गोइंग टू यूज वाई इक्वल्स टू 10। तो एक्स और वाई बेसिकली क्या है? ये वेरिएबल है। दीज ऑल आर द वेरिएबल। सेम देन इफ आई एम गोइंग टू यूज एक्स जेड इक्वल्स टू हेलो, डेट अगेन इज अ वेरिएबल, है ना। अगेन इफ आई एम गोइंग टू टेक द लिस्ट, जो लास्ट टाइम आपने क्लास में पढ़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, डेटा गेन इज अ वेरिएबल। सो अल्टीमेटली अगर आप ऑब्जर्व करें, ये 4 अल्फाबेटिकल नोटेशन जो मैंने ली हैं, ये आइडेंटिफायर हैं। ऑन द लास्ट टॉपिक इट विल बी क्लियर टू यू। और ये आइडेंटिफायर्स हैं और इनको वेरिएबल का नेम दिया जाता है। तो वेरिएबल आई कैन से कि वेरिएबल एक ऐसा कंपोनेंट है इन ए प्रोग्राम जो डेटा स्टोर करेगा। डेटा कैन बी आइदर इंटीजर, आइदर फ्लोट, आइदर कैरेक्टर, आइदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, आइदर लिस्ट, आइदर डिक्शनरी, आइदर टपल्स एंड सो ऑन। तो जो भी डेटा स्टोर करता है फंडामेंटली या डिराइव वे में, फंडामेंटली आपका एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई है और डिराइव वे में जेड और जी हैं, ठीक है, तो इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स कुछ मेमोरी कंपोनेंट शो करते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्विच ओवर द मेमोरी कंपोनेंट। तो मैं मेमोरी कंपोनेंट पर आ जाता हूँ। लिसन, अगर हम बात करें प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम, व्हेन वी गिव द कमांड टू रन एनी प्रोग्राम, डैट मींस कि प्रोग्राम जो है चलना स्टार्ट होगा, लेकिन प्रोग्राम को कुछ मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। इन द लास्ट वन आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एक्स वाई जेड एंड जी। तो सपोज डैट दीज ऑल 4 वेरिएबल्स, जस्ट चेक ओवर द स्क्रीन, ये जो 4 वेरिएबल्स हैं इनका प्रोग्राम में कहीं यूज है, ठीक है। तो दीज 4 आर द मेमोरी कंपोनेंट्स, ये मेमोरी कंपोनेंट होंगे, क्लियर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप क्लियर समझिएगा। फॉर एग्जांपल लेट से वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ, वेट अ मिनट, लिसन, एक्स वैल्यू 8, वाई वैल्यू 10, जहाँ जहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको कुछ कहीं पे भी, मैं किसी भी लोकेशंस पे जाके इनको स्टोर कर देता हूँ, क्लियर। देखिएगा, तो व्हेन आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम, जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा, तो प्रोग्राम को रन करते समय एवरी वेरिएबल विल ऑक्यूपाई द मेमरी इन द कंप्यूटर। और ये जो मैंने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट्स, ये टेबल एक तरह का रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट है, ये रैंडम एक्सेस मेमरी है आपके पास, क्लियर। तो कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी विल हैव सम इंटरप्रेटर, ये चेक करेगा जहाँ जहाँ पर भी कहीं किसी एक सेल पे कोई भी डेटा एलोकेट नहीं किया गया है, वहाँ पर ये इस प्रोग्राम के एक्स वाई जेड जी को मेमरी एलोकेट कर देगा, क्लियर। Now, if in my program, if I'm going to use this variable x, y, z and g, मैं use करता हूँ, use कैसे करता हूँ बच्चों, आप ये समझ लेना, how to use, suppose that now in future I'm going to use it like print x, then I have used like print g, तो मैं इसको ऐसे use कर रहा हूँ,
वाई जेड को भी ऐसे यूज कर सकता हूँ, तो मैं इनका यूज कर रहा हूँ। तो इनको जब प्रोग्राम चलेगा एक्स वाई जेड एंड जी इन द फर्स्ट स्टेप द इंटरप्रेटर विल एलोकेट द मेमोरी एट द रिस्पेक्टिव लोकेशंस। उसके बाद नाउ फ्रॉम द फिफ्थ लाइन ऑनवर्ड्स प्रिंट एक्स प्रिंट जी, मतलब ये है कि इंटरप्रेटर दोबारा एक्स पे जाएगा, व्हाट इज द डेटा इनसाइड द एक्स, वहां से एक्सेस करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। देन वी विल गेट द आंसर एज 8 एंड 1 2 3 4 5। सो जस्ट अंडरस्टैंड every time after allocating the memory to all these variable the interpreter is approaching the respective variable when there is any kind of statement mentioned in the program like print x and print g। to access kaise karta hai, listen, is variable ki apni ek identity hoti hai, matlab ye kahan store hai, what is the data of x 8, what is the data of y 10, what is the data of g 1 2 3 4 5, lekin where is x, samajh aap is concept ko, where is x। Now, where is x? We never know, but interpreter knows. So, if I say where is x, that is the id of x. If I say where is y, means id of y. What is the id of y? If I say z equals to hello, where is z? Id of z. Where is g? That is, we are talking about the id of g. So, now I can conclude one thing. Koi bhi ek variable, it is divided into two parts. The first one is the R value and second one is the L value. अब R value, L value का मतलब क्या है, X के पास डेटा क्या है, वो 8 है, अगर आप चेक करें तो X का डेटा 8 है, that means उसकी R value। X कहाँ है, what is X and where is X, there are two questions, तो where is X में आएगा उसकी L value। L value का मतलब है the ID, की means वो किस location पे store किया गया। So we can define a variable into two field, R value and L value. So X की जो R value है वो 8 है, और X की जो L value है, that means the ID of the variable X. वो कहाँ पे store है, वो हम check करेंगे programming part पे। Clear students? So this is all about the variable concept. Now, coming to the main point, variable के दो types हैं Python में। The first one is mutable and second one is immutable. So mutable and immutable क्या है basically, that we will discuss. First of all, I'm coming to the point of immutable. Listen, integer, float, complex, boolean, string, tuples, ये immutable होते हैं. Now what is the meaning of immutable data types? या immutable variables क्या होते हैं? Listen, immutable variable basically are those variable जिसमें हम कुछ change नहीं कर सकते हैं. We cannot alter the value of that variable. हम variable की value को change नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसके लिए मुझे कुछ demonstration देना होगा, then only you should get a clear idea कि what is the actual meaning I'm saying. Means we can say those variable whose value can't be update, recreate, update नहीं कर सकते, these all are called the immutable variable. So now we will check with an example. So what I am doing right now, I am going to have the Python shell. बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को. Now I have taken the example की जो integer float वाले होते हैं variable, वो immutable होते हैं. So I am talking about the immutable concept. Suppose that there is a variable x and its value is 6. Now this x will have two field students. अभी मैंने discuss किया आपसे, two field होते हैं R value and L value. R value means the data value, and what is the data inside the x, 6, इसका type क्या होगा, integer होगा, clear, लेकिन इसकी एक l value भी होगी, now it will have its own l value also, so now how to find the l value, listen student, l value का मतलब है इसकी id of a variable, हम कैसे identify कर सकते हैं, मतलब कि वो computer memory की किस location पे save है, ये अभी हमारा part नहीं है, but we are a programmer, so it is up to us also, कि हम ये समझ पाएं कि कहाँ पे store किया गया है। Now if I am going to have the id of x, so now we will check what is the answer on the screen. Now just check it out, ye ek location number hai, now that is a random number, we never know from where it is coming, lekin ye agar hum x ki id puche to x ki id basically ye hai aapke paas. Is it clear to everyone? Clear? Now listen, now I am taking one more variable y equals to 9. एक और वेरिएबल मैंने लिया प्रोग्राम में और y की वैल्यू को 9 असाइन कर दिया. सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेक द आईडी ऑफ y, स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा,
what I am saying right now. What is the ID? Now this ID is different from X. That means, what is the meaning right now? The meaning is, X ki location alag hai, aur Y ki location alag hai. Listen, that means 6 and 9. So I am going to update the value of X right now. Just focus over here. Agar main memory ki baat karun, तो y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 6 है और दोनों अलग लोकेशन पे हैं. नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन स्टूडेंट्स, जस्ट चेक इट आउट. ये नंबर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों डिफरेंट है. दैट मींस वो पहले वाले की लोकेशन ये है, पहले वाले की मीन द फर्स्ट वन, दिस लोकेशन डिफरेंट, दैट्स वाई द आंसर इज कमिंग डिफरेंटली. लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ नाउ, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू द इम्यूटेबल मैथड. लिसन, x इक्वल्स टू y. नाउ द मीनिंग सेज दैट, सॉरी, y इक्वल टू x, थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, y इक्वल टू x. लिसन, नाउ द देयर इज सम चेंज, एंड द चेंज सेज दैट नाउ x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू है उसको हम y करते हैं, मतलब उसको हम y को शेयर करते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 6, नाउ आई एम गिविंग दिस वैल्यू 6 टू द टुवर्ड्स द वेरिएबल y. सो अब इसको चेक करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y. नाउ जस्ट चेक इट आउट. Now just tell me one thing, क्या ये value, this one and this one is same? तो ऐसा हुआ क्या? ऐसा ये हुआ कि 9, just focus over here, 6, x की value 6 थी, मैंने y को x दिया, that means now this y is removed with its value from 9, और ये जो है ये आपका, just check over here, this y is pointed towards x. तो इसका मतलब यह है कि now x की location भी, sorry, y की location भी x की location पे ही point हो चुकी है. Is it clear students? लेकिन इसमें कुछ change करते हैं, देखिएगा. तो अगर आप इस method को समझें तो इस method से आपको क्या समझ में आया? Listen, मेथड से ये समझ में आया कि जैसे ही आपने y की वैल्यू को अपडेट किया, उसने उसको अपडेट नहीं होने दिया. मींस y की वैल्यू 9 तो है, द वैल्यू ऑफ y इज 9, दैट मींस इस लोकेशन पे तो 9 है, इस लोकेशन पे 9 है, लेकिन y को आपने वहाँ से मूव करके x पे शिफ्ट कर दिया, दैट मींस 9 इज नॉट बीइंग अपडेटेड. 9 तो 9 अपनी जगह पे है, लेकिन y को आपने कहीं और शिफ्ट कर दिया है. अब यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स ये कैसे वर्क कर रहा है. Now, if one more step, if I'm going to update the value of x, so x equals to, अगर मैं x plus 2 करता हूँ, तो right now, what is the value of x? 6, 6 plus 2, 8, और 8 x को ही update करेगा, तो update हो गया. But now, if I'm going to have the value of x, अगर मैं check करता हूँ, तो क्या value अब same है from the other one? ID, जो x की ID है, वो same है? नहीं है. That means, listen, just check it out. This is the ID of x. Earlier, the x ID was this one. हमने यहाँ पर y को x की तरह पॉइंट आउट किया, तो y उस लोकेशन पे होल्ड हो गया. लेकिन मैंने जैसे ही x को अपडेट किया, x ने इस जगह को ओवरराइट नहीं किया, उसने 6 प्लस 2 8 बनाया, और 8 मान लीजिए यहाँ पे बना. तो डैट मीन्स नाउ व्हाट वी कैन से डैट नाउ दिस पर्टिकुलर, लिसन स्टूडेंट, जस्ट फोकस ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर y राइट नाउ इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द 8. तो अब x यहाँ पे शिफ्ट हो गया 8 पे, और ये सेल 8 है. और अगर मैं ये बात करूँ आपसे कि व्हाट इज, वेयर इज x राइट नाउ, तो अब इस लोकेशन का एड्रेस है, मैं लास्ट की 3 डिजिट ले रहा हूँ, 480, डैट मीन्स ये अब 480 है, दिस वन इज 480. तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे कहीं पे भी चेंज हुआ? द मीनिंग ऑफ चेंज इज, हमने जैसे ही किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया, तो उसने एक नई लोकेशन को क्रिएट किया, और पुरानी लोकेशन में जो डेटा था वो वहीं का वहीं रहा. That is the meaning of immutable type of variable. Is it clear, students? You can take the help. ये important point है students कि immutable का मतलब क्या होता है. कुछ ऐसे variable जिनके पास अगर data होगा, तो वो variable के पास कभी भी right नहीं होगा कि वो उस data को change कर पाए. और आप खुद देखिएगा, मैंने y को update किया x के साथ, तो y इस location को छोड़ के x की location पे आ गया, ये इसकी location hold कर रहा है. और जैसे ही मैंने x को अपडेट किया, तो उसने इस लोकेशन को छोड़ के वो इस लोकेशन पे आ गया. सो ये कुछ आपको समझ में आया? डैट मीन नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ x इज दिस वन,
द न्यू वैल्यू ऑफ y इज मीन y अब यहाँ पर है, x यहाँ पर है, लेकिन 9 एंड 6 आर सेम, मतलब इस पर कोई चेंज नहीं किया गया। तो वेरिएबल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल्स आर गोइंग टू चेंज देयर पोजीशंस एंड दैट्स व्हाई दीज आर वर्किंग इन दिस वे। एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट टू एनीवन? सो ये आपके पास स्टूडेंट इम्यूटेबल टाइप है, और उसके बाद आता है आपके पास म्यूटेबल टाइप। तो म्यूटेबल टाइप में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें लिस्ट और डिक्शनरी, जिसमें हम किसी भी पोजीशन पे आके डेटा को चेंज कर सकते हैं, दीज विल बी कंसिडर एज अ म्यूटेबल डेटा टाइप।